गवर्नमेंट आज नरेंद्र मोदी आप गवर्नमेंट में है, आप बीजेपी बेटी बचाओ बेटी बचाओ पढ़ाओ, ये कहाँ ये इसका ये जो नतीजा कहाँ है? आज आज हमारा मणिपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम ठीक नहीं है, आपका सिस्टम फेलोर है। आपका डबल इंजन गवर्नमेंट जो मणिपुर में भी है और आप सेंट्रल में भी है, ये डबल इंजन गवर्नमेंट कहाँ है? तो आपने भाषण देने का सिर्फ ही ये रखता है आप स्टेज में, और प्रोटेस्ट रैली जो निकाला गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप आम आदमी पार्टी का एक नेता होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं मीडिया वाला से धन्यवाद देता हूँ। तो आज हमारा सबसे विषय का चीज़ है जो मणिपुर चीज़ को लेके जो मणिपुर में घटना हो रही है, हमारा आम आदमी पार्टी अरुणाचल प्रदेश आज कैंडल लाइट पीसफुल कैंडल लाइट ऑर्गेनाइज किया गया है। हम लोग ने आकाशदीप से ले गया टेनिस कोर्ट तक किया है। तो इसका मकसद यही है जो मणिपुर में दरिंदा जो दर्दनाक हुआ, तो उसका चलते हम लोग एक इंसानियत नाते हमारा आम आदमी पार्टी अरुणाचल यूनिट जो आज बहुत ही गंभीरता और स्ट्रॉन्गली कंडेम करता है जो मणिपुर में हुआ है, जो दो बेटी के साथ में बलात्कार हुआ है, उसको प्रेरित करा के उसका नंगा प्रसाद नंगा करके उसका साथ में रेप किया गया है, और उसको सिर्फ रेप नहीं किया है उसका साथ उसका बाइक तक कातिल किया गया है। तो ये एक इंसानियत के नाते ये बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक ये घटना हुआ है। तो इसी चलते हम आज एक युवा नाते पूरे देश का युवा नाते, मैं आज अरुणाचल का युवा नहीं है, मैं देश का, तो आवाज़ को बुलंद करने के लिए हर गवर्नमेंट तक पहुंचना है, तो हर राज्य में पहुंचना है, बुलंद करना है। तो आज देखिए आप जो हमारा मणिपुर का युवा और औरत उधर महिला टीम जो जंतर मंतर में, तो आज अपना आवाज़ को बुलंद करें जो सिस्टम को सही लाने के लिए। आज गवर्नमेंट आज नरेंद्र मोदी आप गवर्नमेंट में है, आप बीजेपी बेटी बचाओ बेटी बचाओ पढ़ाओ, ये कहाँ ये इसका ये जो नतीजा कहाँ है? आज आज हमारा मणिपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम ठीक नहीं है, आपका सिस्टम फेलोर है। आपका डबल इंजन गवर्नमेंट जो मणिपुर में भी है और आप सेंट्रल में भी है, ये डबल इंजन गवर्नमेंट कहाँ है? तो आपने भाषण देने का सिर्फ ही ये रखता है आप स्टेज में, और एक मणिपुर का सबसे एक दर्दनाक चीज़ यही है, क्योंकि आप मणिपुर गवर्नमेंट आज दो महीने पहले ये बीती हुआ बात है, तो आज जब वायरल हो गया वीडियो, तो आज आप क्यों उसका मीडिया में जब मीडिया चलने लगा जब वायरल होने लगा आप आज क्यों सतर्क है? लेकिन सतर्क होकर भी आपने आज तक सही स्टेटमेंट नहीं दिया तो कैसे एक्शन लिया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा? और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी आपने सिर्फ स्टेटमेंट दिया कि जो भी मणिपुर में हुआ है शर्मनाक, सिर्फ यही स्टेटमेंट दिया। और हम लोग का फॉर्मर मिनिस्टर अच्छी विदा ताकू जी आया।